लिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक लिस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो के Y75 फोन में किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कैसे करें। कैसे अगर आप भी अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ऑन करके जो कि अगर कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, हम यहां से आपको बताएंगे कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कैसे ऑन करके आप यहां से अपने फोन में किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे अगर आपके फोन पर कोई भी कॉल आती है या फिर अपने साइड से किसी को भी कॉल करते हैं, कॉल वहां पर अगर अगला बंदा रिसीव करता है या फिर आप रिसीव करते हो और कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको डिस्प्ले पर गाइस क्लिक करके तब कॉल को रिसीव करना पड़ता है। और हम जो यहां से आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे, आप यहां से सेटिंग के जरिए किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास कॉल आएगी, कॉल रिसीव होगी, एंड किसी को कॉल रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। आपको रिकॉर्ड नहीं करना होगा डिस्प्ले पे गाइस क्लिक करके। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं अपने फोन में किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ साइड में हमारा फोन मिल जाएगा, आपको किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करने के कोई भी एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड नहीं करना है। आपको चले जाना अपने फोन के डायलर में जहां से गाइस आप किसी को कॉल करते हैं। यहां पर गाइस आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा राइट की साइड में ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन, यहां गाइस क्लिक करना आपको। उसके बाद मिलेगा कॉल स्टोरी सेटिंग हेल्प एंड फीडबैक, तो आपको सेटिंग पर गाइस क्लिक कर देना है। सेटिंग पर जब गाइस क्लिक करेंगे आपको देखिए आप नीचे मिल जाएगा कॉलिंग अकाउंट, एंड गाइस उसके नीचे आपको मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहां देखिए मिल जाएगा। तो यहां पर गाइस आपको क्लिक करना है। यहां पर जब गाइस क्लिक करेंगे आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिलेगा, डिलीट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, आप यहां से जो कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे अपने फोन में उसको कितना दिन रखना चाहते हो, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन, और इतने भर पे गाइस अगर क्लिक कर देंगे आपके फोन में हमेशा के लिए कॉल रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। अगर आप यहां पर डे यूज करेंगे तो आपके फोन में यहां से इतने दिन बाद ऑटोमेटिक जो कि कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। और यहां पे आपको मिलेगा देखिए मिलेगा डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग न्यू, तो अगर आप यहां पे रिकॉर्डिंग भी डिलीट करना चाहते हो यहां से गाइस कर सकते हो। यहां पे देखिए 7 रिकॉर्डिंग किए हैं ऑलरेडी, और यहां पे आपको नीचे मिलेगा ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन, नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। अगर आपके फोन में सेटिंग होगा तो आप यहां से किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए इसको ऑन करना है, ऑलवेज रिकॉर्ड करना है, यहां पे गाइस क्लिक कर दिए। अगर अब हमारे फोन पे चाहे कोई कॉल आती है या फिर अपने साइड से हम किसी को कॉल करते हैं, कॉल गाइस रिसीव होगी और वो कॉल यहां से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। हमको डिस्प्ले पे गाइस क्लिक करके किसी भी कॉल को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहां से बिल्कुल सेटिंग करके अपने वीवो को Y75 फोन में किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।